सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। हिंदी व्याकरण में पार्ट 3 आज पढ़ाऊंगी, मात्रा और शब्द। तो मात्रा क्या है, पहले सबसे पहले जानना जरूरी है कि मात्रा क्या है। तो मात्रा व्यंजनों के साथ जब हम स्वरों की मात्रा को जोड़ते हैं तो वह शब्द बनता है। जैसे आप जानते हैं कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, मात्रा शुरू होती है आ से, आ बड़ी ई छोटी ई बड़ी ऊ छोटी ऊ री ए ऐ ओ ओ। अब जब ये स्वरों की मात्रा हम व्यंजनों पर लगाएंगे तो क्या बनेगा, शब्द बन जाएगा। जैसे क की कोई मात्रा नहीं होती, इससे कोई भी शब्द हम बना देंगे, कबूतर सर्कस कुछ भी। मात्रा शुरू होती है आ से, जैसे शब्द पर हम आ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा आम शाम काम नाम, ये कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा जिसको हरसई बोलते हैं, तो अब हरसई से शब्द बनाएंगे, जैसे सितार गिटार जितने भी शब्द हैं ये बड़ी ई की मात्रा, इसको हम बड़ी ई की मात्रा भी कहते हैं हरसई। इसके बाद दीर्घई की मात्रा से हम शब्द बनाएंगे, सील कील अनेक शब्द हैं दीर्घई की मात्रा से, कीमत, ये इसमें कौन सी मात्रा होती है, हर्षई की मात्रा। अब है हर्षउ बड़ी ऊ, हर्षउ से उल्लू सॉरी कुसुम, इसमें कौन सी मात्रा है, हर्षई की मात्रा। अब है दीर्घई की मात्रा, तो दीर्घई की मात्रा से अब शब्द बनाएंगे, कूदना चूहा, बहुत सारे शब्द हैं आप बुक में देखें और ये इन सभी मात्राओं से शब्द बनाएं। उसके बाद है री की मात्रा, री से ऋषि, इसमें री की मात्रा है ऋषि, ऋषभ हृदय हौ में री की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हृदय। ठीक उसी तरह से के ए की मात्रा है जिसमें एक पाई होता है, एक ए की मात्रा जिसके ऊपर शब्दों के ऊपर दो पाई लगे होते हैं, जैसे कैसा अब है ओ की मात्रा, तो शब्दों पर जब हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा कोयल, और जब शब्दों में ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, औरत। औरत ये शब्दों में जब हम मात्रा लगाते हैं तो वो उसमें अर्थ निकलता है ना, बिना मात्रा का कोई शब्द नहीं बनता। जैसे कयल लिखने से उसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता, तो इसमें क्या करते हैं, हम ओ की मात्रा लगाते हैं तो क्या होता है, कोयल, है ना। ए की मात्रा
ऐसा, ओ की मात्रा सॉरी ओ की मात्रा औरत औषत। इस तरह से हम मात्रा लगाते हैं तो शब्द बनते हैं अर्थफुल, जिसका कोई मीनिंग निकले, अर्थ निकले, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि मात्रा कितनी है, 10 खड़ी इसको बोलते हैं, का का की कू कू के कै कू कौ कंक, है ना। इस तरह से हम मात्रा आप अपनी बुक में देखिए और मात्रा लगाना सीखिए, क्योंकि आप जानते हैं अ की कोई मात्रा नहीं होती। मात्रा शुरू कहाँ से होती है, तो आ से, आ से, आ से आम, आ से अनार, काला, लाल, उसी तरह से ठीक जितने भी हैं, आ से बड़ी, ई से छोटी, ई से बड़ी, ऊ से छोटी, ऊ से, आप मात्रा बनाना सीखिए और बार बार अभ्यास करें, बार बार अपने कॉपी पर उसको लिखें और देखें कि शब्द सही हुए या नहीं, शब्द को शुरू कीजिए। तो अब ये हो गया मात्रा लगाना। अब शब्द क्या है, जो जब हम स्वरों और व्यंजनों को आपस में मिलाते हैं तो शब्द बन जाते हैं। तो शब्द कैसे बनते हैं, जब व्यंजनों में स्वरों की मात्रा को लगाते हैं तो शब्द बनते हैं। यही एग्जाम्पल उदाहरण यही है कि जब हम व्यंजनों में स्वरों को मात्रा के रूप में लेते हैं तो शब्द बनते हैं। जैसे जैसे अ र त, इसका कोई अर्थ नहीं है। और इसलिए यदि हम मात्रा लगाते हैं औ की, तो क्या हो जाता है, औरत। जैसे बड़ी ऊ, हम उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं, बड़ी ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा तो कता। और यदि हम इसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, कुत्ता। ठीक है, इस तरह से आप बार बार अभ्यास कीजिए और याद कीजिए, बार बार लिखिए उसको, बिना लिखे नहीं, शुद्ध उच्चारण के साथ उसको लिखिए, क्योंकि जब तक आपका उच्चारण शुद्ध नहीं होगा, लिखावट शुद्ध नहीं होगी। इसलिए शुद्ध व्याकरण हमें क्या सिखाता है, व्याकरण हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। इस व्याकरण हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी भाषा में शुद्धता आए, भाषा को शुद्ध बोलें और शुद्ध लिखें। जितना बोलना जरूरी है उतना लिखना भी जरूरी है, इसलिए व्याकरण हम पढ़ते हैं। नहीं तो सिर्फ हम लोग हिंदी ही पढ़ते पाठ्य पुस्तक, लेकिन हम लोगों को इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारी भाषा शुद्ध हो, बोलने का तरीका शुद्ध उच्चारण करें। और जब तक आप लिखेंगे बोलेंगे नहीं तो शुद्ध लिखेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, अब आप मात्रा और शब्द को बार बार लिखें और याद करें। अब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।